ओके सो लेट्स स्टार्ट नाउ। नाउ देखो, तो इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो मुझे करना था, आप में से अधिकतर लोग, मेजॉरिटी 90-95% लोग कंफ्यूज्ड है एग्जामिनेशंस को लेके। दे आर स्टिल थिंकिंग एग्जाम्स होगा कि नहीं होगा। रोज नए नए अपडेट्स देख रहे हैं, कभी किसी वेबसाइट पे, कभी किसी यूट्यूब चैनल्स पे, एंड सब लोग आप लोग को घुमा फिरा के सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं कंफ्यूज। करेक्ट है? सो इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन क्या है? ध्यान से सुनो। अगर आप लोगों को पता है, जो आप लोगों का लास्ट कॉन्फर्मेशन आया था उदय सामंत सर से, वो कॉन्फर्मेशन क्या था कि सर जुलाई में आपकी एग्जाम्स एक्सपेक्टेड है। नाउ अगर जुलाई में एग्जाम्स एक्सपेक्टेड है, इसका सेकेंड मीनिंग क्या निकलता है? वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, मे बी उसके बाद में एक चीज क्या हुई है कि उदय सामंत सर ने यूजीसी को लेटर लिखा है कि कृपया करके आप पीवाई की भी एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दीजिए। देर आर चांसेस एग्जाम पोस्टपोनमेंट भी हो सकती है, देर आर चांसेस कि नहीं भी हो सकती, बिकॉज उदय सामंत सर यानी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने यूजीसी को सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा है। वो कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि एग्जाम्स नहीं होंगे। उसके भरोसे अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, जो कि आप लोग नहीं कर रहे, नतीजा होगा क्या? अगर इन शॉर्ट अगले 8-10 5-10 दिन, मतलब कभी भी एग्जाम के 10 दिन पहले अगर एग्जाम शेड्यूल कर दी जाती है, तो आप लोग इस जोन में होंगे कि आप लोग एग्जाम देने की हालत में नहीं होंगे, बिकॉज आपको कुछ आता ही नहीं होगा। ठीक है, टू अवॉइड दिस सिचुएशन, व्हाट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू राइट नाउ इज वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ठीक है, क्या पब्लिक सुन रही है? अगर पब्लिक जाग रही है तो कृपया करके एक थम्स अप दिखाइए जरा, सब लोग अपने अपने वीडियो से। ओके, पब्लिक जाग रही है। ओके अच्छा, पहले तो ये बताइए, इसके बाद आगे और बात करते हैं। रिसेंट जो अभी ट्वीट आया है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर से, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप लोग सबका क्या हाल चाल क्या है? अपने अपने घर पे सब एंजॉय कर रहे हैं, लॉकडाउन के मजे ले रहे हैं? एक एक जन बोलना, जो भी बोले अनम्यूट करना और बोलना। जब तक अनम्यूट नहीं करोगे हम आपकी आवाज नहीं सुन पाएंगे। नहीं सर, कुछ एंजॉय नहीं हो रहा है। सर अरे रे, ओके, बाकी पब्लिक? एंजॉय तो हो रहा है, खा रहे हैं, बना रहे और सो अरे ये रहे हैं। उर्वी गई कहाँ? अरे उर्वी तो पतली हो गई बहुत यार। अरे नहीं, मैं किसी और को देख रहा था। अरे उर्वी तो दिखी नहीं, नहीं कहाँ गई वो। ओके रोशनी रोशनी बोली। अच्छा, हाँ ओके फाइन, चलो बहुत बढ़िया है। और बाकी हमारे आधे क्राउड तो अपनी शक्ल छुपा के रखे हैं, चार्मी शुभम को। एंजॉय कर रहे सर पबजी खेल के। अबे कितना पबजी खेलेगा बे? कुछ काम भी नहीं है ना सर। ढूंढ, ऑनलाइन बहुत सारा काम मिलेगा। लेक्चर देखते रहता हूँ। लेक्चर सिर्फ लेक्चर से क्या होगा, और भी तो 10 चीजें देखने के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए। बेस्ट टाइम टू लर्न सो मेनी थिंग्स। ओके सो कंटिन्यूइंग द अर्लियर डिस्कशन, अब देखो ध्यान से। आज ही थोड़ी देर पहले ट्विटर पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक ट्वीट आया। अब वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो ट्वीट आया है, उसमें मिनिस्ट्री ने क्लियरली, एकदम क्लियर स्टेटमेंट में, आप चाहो तो जाके ट्विटर जाके चेक कर सकते हो, क्लियर स्टेटमेंट में हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने बोल दिया है कि वो जुलाई में एग्जामिनेशंस करवाने की परमिशन दे रहे हैं सीबीएसई बोर्ड्स को। ठीक है, तो अब अगर सीबीएसई बोर्ड्स को परमिशन मिल गई है, तो डोंट यू थिंक धीरे धीरे बाकी बोर्ड्स को एंड यूनिवर्सिटीज को भी परमिशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी।
अच्छा आई एम नॉट सेइंग कि परमिशन मिल ही जाएगी, एग्जाम हो ही जाएगा, बट अगर अपने को पता है कि शायद जंग कभी भी हो सकती है, तो जंग के दो दिन पहले अगर तलवार निकालोगे तो वो जंग दो दिन में साफ नहीं होगी। कहने का मतलब ये, आपको आपकी तलवार तो रेडी ही रखनी पड़ेगी ना। जंग होगी तो लड़ लेंगे, और जंग नहीं होगी तो ठीक है, आपने किस तलवार रखे रखी अच्छे से ताकि वो लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में काम आ जाएगी। तो ये एडवाइस सभी लोगों के लिए जो बिल्कुल बुक नहीं खोल रहे हैं। आधे लोगों की बुक पे तो धूल मिट्टी जम गई है, आधे लोगों ने तो बुक पता नहीं कहाँ किसी कबर्ड में कहीं रख दी है, पड़ी है किसी कोने में, कहाँ काम ले रहे हैं, सब हो जाएंगे पास तो लग रहा है ऐसे अपने आप से। बट आई डाउट, कर देते हैं तो भी ठीक है, बट नहीं करते हैं तो आप अल्टीमेटली फंस जाएंगे, और वो फंसने वाला काम हम लोग नहीं करेंगे। 90-95% बच्चे लोग इसी उम्मीद में एग्जाम कैंसिल हो जाएगी, बुक नहीं खोल रहे हैं, एग्जाम आ गई ना तो हालत खराब हो जाएगी बहुत बुरे तरीके से। ठीक है, अब CBSE को मिल गई है, किसी और को भी परमिशन मिल सकती है। हालांकि वहाँ पे और बहुत सारे रिकमेंडेशन आए कि वो कंटेनमेंट जोन्स में एग्जाम्स नहीं लेंगे, नॉर्मल जोन्स में एग्जाम लेंगे, रेड जोन्स तक में भी एग्जाम देने की परमिशन मिल चुकी है। माइंड इट, वी आर स्टिल इन रेड जोन एंड नॉट कंटेनमेंट जोन। ठीक है, एग्जाम्स कैन हैपन। नाउ व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन? मुझे किसी 2-4 लोगों ने कहा था कि सर पढ़ने तो क्या पढ़ना स्टार्ट करें, कैसे पढ़ना स्टार्ट करें, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। तो नाउ इसके लिए मेरा ना एक बहुत सिंपल सा और बहुत प्रैक्टिकल आंसर है। व्हाट वी कैन डू इज, अपने पास टोटल 5 सब्जेक्ट से पढ़ने के लिए, ठीक है। अब उन 5 सब्जेक्ट्स को आप क्या कीजिए, आप उनको उसमें से जो एक सब्जेक्ट ऐसा है जो प्रैक्टिकल लाइफ में फुल यूज आने वाला है, आज भी फ्यूचर में भी, उस सब्जेक्ट का नाम है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसमें आप पढ़ते हैं GST एंड कस्टम। ठीक है, नो मैटर आप जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं या FM पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें भी आगे काम आ सकती है कहीं ना कहीं, लेकिन एक GST और कस्टम ऐसी चीज है जो एक रेगुलर लाइफ में भी, जब आप एग्जाम्पल कुछ इम्पोर्ट करना चाहेंगे फ्यूचर में आके, सॉरी जब आप कुछ इम्पोर्ट करना चाहेंगे फ्यूचर में, या कभी कुछ एक्सपोर्ट करने का प्लान करेंगे अपनी किसी कंपनी के लिए या फिर किसी भी और पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, मतलब इन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, वो कस्टम और GST आपको के साथ हमेशा काम आने वाला। तो बेस्ट थिंग क्या है, अगर अपन ये भी सोचे कि शायद एग्जाम ना हो, मेरा पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाए, जो कि होता नहीं है, बस स्टिल अगर सोच लेना कि पढ़ा हुआ वेस्ट हो सकता है, तो उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट स्टडिंग GST। GST पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है, आप पढ़ के GST कस्टम पढ़ने में नुकसान नहीं है, आप पढ़ लीजिए। जैसे ही अपन पढ़ लेते हैं, नॉलेज गेन कर लेते हैं, अपनी बुक्स पुल अप कीजिए, बुक्स ढूंढिए, नहीं है वो PDF मांगिए दोस्तों से, तो आपका वो ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होगा। इन केस एग्जाम्स होती है तो एटलीस्ट आप 1-2 सब्जेक्ट्स के साथ तो तैयार हैं, और एग्जाम एटलीस्ट 15-20 दिन पहले कंफर्मेशन देंगे और एग्जाम होगी कि नहीं होगी। तो अगर 20 दिन पहले भी कंफर्मेशन आता है तो वो 20 दिन में हम बाकी 4 या 3 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उस 20 दिन पहले एक भी सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं होगा तो शायद डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टार्ट 1 or 2 सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट शुड बी ईदर टैक्सेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपको जीवन में आगे काम आ सकता है। जितने लोगों ने मेरे शेयर मार्केट के क्लासेस अटेंड की है, उनको शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पे किस तरह से रिस्क एनालिसिस करना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, वो सब बेसिस पे आपको FM रेगुलर लाइफ में काम आ सकता है, कस्टम रेगुलर लाइफ में काम आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने में कोई मुश्किल या कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम या कोई नेगेटिविटी नहीं है। पढ़ भी लेते हैं, एग्जाम्स नहीं होती है तो ज्ञान हमेशा काम आएगा, और पढ़ लेते हैं और एग्जाम्स हो गई तब तो फिर आप लोग बहुत ही खुद को खुशनसीब मानोगे कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो हम लोग प्रिपेयर्ड है। समझ रही है निशा, पढ़ना जरूरी है। ओके, रवि जाग रहे ना, अच्छा दीवार वीवार पर लेते लग रहा है सो जाएगा अभी।
ओके और ये लब्धि बड़ी सीरियसली सुन रही है, लगता है पढ़ना ही पड़ेगा। ये नेताजी को देखो कैसे बैठे हैं, हेमलता लग रहा है काली काली कोठरी में बैठी हेमलता। तो हेमलता घर पे लाइट वाइट नहीं है तेरे? नहीं सर है ना लाइट, अंधेरा है। लाइट है पर अंधेरा है, बहुत ही अच्छा जवाब है, वेरी गुड। ओके सो आई गेस समझा आप लोगों को मैं क्या कहना चाहता था। किसी और को कोई क्वेश्चन या कोई डाउट लगता है तो प्लीज मुझे यू कैन आस्क मी, रेज योर हैंड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन आस्क योर क्वेश्चन। शायद वो क्वेश्चन किसी और का भी हो उसको आंसर मिल जाए, बिकॉज अननेसेसरी आप यहाँ वहाँ ढूंढेंगे, मतलब नहीं है उस चीज का। या एनीवन? यस प्रियेश अनम्यूट करो और बोलो। सर तो ब्लैक बुक का क्या करना है, ब्लैक बुक करना है कि नहीं करना है? ओके सो कमिंग टू ब्लैक बुक, अब देखो अगर ब्लैक बुक का ओके लिसन लिसन, कमिंग टू ब्लैक बुक, ब्लैक बुक का बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। आपको उसमें कुछ खास पढ़ाई नहीं करनी है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिकली आपके जो सॉफ्ट कॉपीज है एटलीस्ट वो आप रेडी करके रखिए। एनीवे हार्ड कॉपी आप प्रिंट आउट फिलहाल नहीं कर सकते, ठीक है? आप सॉफ्ट कॉपीज रेडी करके रखिए, वो भी रेडी करके क्यों रखिए, बिकॉज अगर एग्जामिनेशन कैंसिल भी होती हैं तो प्रमोशन दिया जाएगा। अगर देते हैं प्रमोशन, आई रिपीट, अगर देते हैं प्रमोशन तो प्रमोशन भी दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरनल एग्जामिनेशन, योर ब्लैक बुक सबमिशन जो कि आपके पूरे इंटरनल का सारा पार्ट बन जाएगा, उसके साथ साथ में कोई बैक एग्जामिनेशन को प्रमोशन के क्राइटेरिया में ला के उसके बेसिस पे प्रमोट किया जाएगा। मतलब ब्लैक बुक कहीं ना कहीं हमेशा ही आपको काम आएगा एग्जाम के मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो आप ब्लैक बुक प्रिपेयर करके रखिए, ज्यादा मगजमारी मत करो, नॉर्मली प्रिपेयर करके रखो, कहीं बाहर भटकने मत जाना, कहीं प्रिंट आउट मार लूं क्या चार पेज का, किसी दोस्त से जुगाड़ मांग रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ दोस्त से प्रिंटर का कि प्रिंटर दे दो प्रिंट मारने, प्लीज वो सब कुछ नहीं करना है। सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में प्रिपेयर करके रखो, कुछ खर्चा उस पर करके मत रखो। एग्जाम्स आता है, कॉन्फर्मेशन कॉलेज से देते हैं तो मैं आपको यहीं पे आके बता दूंगा, और यहाँ नहीं बता पाता हूँ तो व्हाट्सएप पे कोई भी टीचर्स आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? आई एम कॉन्स्टेंटली इन टच विथ योर प्रिंसिपल सर ऑल्सो एंड फॉर दिस लेक्चर ऑल्सो। प्रिंसिपल सर का बहुत बड़ा सपोर्ट है इस लेक्चर के लिए। जैसे ही उनके पास मैसेज गया, ही इमीडिएटली सेड कि प्लीज सर बच्चों के लिए कीजिए एक सेशन, बिकॉज पूरे डिसगाइज वे में चल रहे हैं बच्चे लोग, सो ही इज अ लेक्चर फॉर यू बिकॉज ऑफ हिम फ्रॉम माई साइड। Fine. So this is for black book. Yes. Any other question? Raise your hand. Yes, Mega. Unmute karo aur bolo. Sir, can you hear me? Yes, I can hear you. Hello. Yes. So my question is that we are doing our syllabus regularly, which the portion is completed. मतलब जो complete हुआ है chapters वगैरह वो तो चल ही रहे हैं. लेकिन sir कुछ portions बाकी हैं हम लोग के college के side से. तो हम लोग ना तो क्लासेस जा सकते हैं ना तो कोई ऑनलाइन गाइडिंग मिलती है इसके लिए, सम पर्टिकुलर चैप्टर्स ओनली, नॉट ऑल। तो सर उसका क्या करें, हम लोग ऑप्शन में छोड़ दें या फिर वेट करें? ओके फाइन, बेस्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। देखो बहुत सिंपल है, एज पर यूजीसी गाइडलाइंस एंड एज पर उदय सामंत सर का डिफरेंट गाइडलाइंस, ये चीज निकल के आ रही है कि पहली बात अगर आपका एग्जामिनेशन होता है तो वो एग्जामिनेशन जैसे नॉर्मली होता है सेंटर्स पे जाके या हॉल टिकट एडमिट कार्ड जो आता है वो सब प्रोसेस से नहीं होगा। 99% चांसेस है कि उस प्रोसेस से नहीं होगा। आपकी एग्जाम्स कैसे होने वाली है, ये एग्जाम्स होने वाली है एक टिपिकल सिस्टम पे जहाँ पे कॉलेज वाले ही आपकी एग्जाम लेंगे, प्लस एजुकेशन मिनिस्ट्री ने और यूजीसी ने क्लियर कर दिया है कि 22 मार्च तक, आई रिपीट 22 मार्च तक आपका जितना पोर्शन आपके कॉलेज में कराया गया है आपके सब्जेक्ट्स के लिए उतने ही सिलेबस का एग्जाम होगा। इसका मतलब मे बी एक सब्जेक्ट सपोज करो एक एफए होगा, अगर 5 चैप्टर एक चैप्टर नहीं कराया है तो 4 चैप्टर कराया है तो 4 चैप्टर में से ही एग्जाम होगा। सपोज टैक्सेशन, मैंने टैक्स पूरा पढ़ा दिया है,
जो नहीं आते हैं उनको बता दूं टेक्स्ट पूरा पढ़ा दिया है, तो टेक्स्ट का मतलब पूरे में से हो सकता है। किसी और सब्जेक्ट में हो सकता है कि 6 सब चैप्टर है और 3 ही कराए तो 3 में से हो कौन है भाई गया, आवाज शांत होगी, पता नहीं कौन था। ओके सो दिस वॉज योर क्लियरेंस फॉर एग्जामिनेशन, आपको जितना कराया है उतना ही पढ़ना है। Until and unless कोई और टीचर्स अगर आपको आके बचा हुआ पोर्शन पढ़ाते हैं और अगर आप पढ़ लेते हैं तो ठीक है, वरना और वैसे कोई कुछ पढ़ाएगा नहीं आता कि मेरे को पता है, सो नो वरीज, जितना हुआ उतना ही करना। यस एनी अदर क्वेश्चन? कौन है पहले हाथ बुक में दिखता नहीं, वरना कौन पूछ रहा है? सर रवि, हाँ रवि बोल। केटी का एग्जाम होगा क्या? ओके अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, केटी का एग्जाम होगा या नहीं होगा? अब ध्यान से सुनो केटी के बारे में एवरीवन, कान खोल के लिसन, तुम नहीं तो तुम्हारे दोस्त होंगे जो केटी के मरीज होंगे। तो केटी का सिंपल सॉल्यूशन ये रखा गया है एज पर रिसेंट गाइडलाइंस, अगर आप TY में हो और कोई पुरानी केटी है सपोज FY की या SY की, तो जब TY के एग्जाम्स एज ऑफ नाउ एग्जाम्स होंगे ऐसा बोला गया है, तो आपकी जो प्रीवियस केटीज भी हैं उनकी भी एग्जामिनेशन जुलाई में ही होगी। आई रिपीट, इफ एट ऑल यू आर इन द लास्ट सेमेस्टर, मे बी TY BCOM, TY BAF, TY BBI, एनीथिंग इन द लास्ट सेमेस्टर, आपकी प्रीवियस के जो भी सेमेस्टर का जो भी चीज पेंडिंग है वो एग्जामिनेशन होंगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, अब मैं बात कर रहा हूँ आपके दोस्तों के लिए, हो सकता है वो फर्स्ट ईयर में हो अभी अभी आएंगे, या हो सकता है वो सेकेंड ईयर में, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा सीधा नेक्स्ट ईयर में और उनकी केटी कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी, उनकी भी केटी एग्जाम्स एकेडमिक ईयर शुरू होने के कुछ महीनों के अंदर ली जाएगी। इसका मतलब नो मैटर आपकी केटी किसी भी साल की हो, केटी एग्जाम्स होंगी। अगर आप TY के हो तो केटी जुलाई में ही क्लियर कर ली जाएगी पुरानी केटीज, और अगर आप दूसरे क्लास के हो तो केटी एकेडमिक ईयर शुरू होने के 120 दिन के अंदर अंदर ली जाएगी। तो दिस इज फॉर केटी, आई होप इट इज क्लियर। ओके और कौन है? यस यस रोशनी गुप्ता, अरे रोशनी अनम्यूट करना होता है, तुम्हारी आवाज नहीं आएगी ऐसे। यस सर, सर ये पेपर यूनिवर्सिटी नहीं कॉलेज वाले बनाएंगे, उसका क्या होगा? हाँ तो वही तो मैंने कहा ना, बिकॉज इस तरह के माहौल में, इस तरह के सिस्टम में यूनिवर्सिटीज पेपर्स नहीं बना पाएंगी, तो नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ मैं, लेकिन इसलिए तो मैं आज लाइव आया था कि अब कोई कंफ्यूजन ना रहे तुम लोगों के माइंड में, क्योंकि तुम लोग जितने ढीले हो गए हो, हर आदमी सुबह 12-1 बजे सो के उठ रहा है, बिस्तर पे पड़ा है, दिन भर खा रहा है, जीवन के मजे ले रहा है। करो दिन का 2 घंटा ब्रेक में, पहले मैं कहता था कि ब्रेक में टाइम पास करो, अब मैं कह रहा हूँ ब्रेक में पढ़ लो 2 घंटा। ठीक है और कोई क्वेश्चन? कौन न्यूज चैनल सुना रहा है यहाँ पे? यस कौन है? ये लब्धि की आवाज से लगता है आवाज आ रही है। हाँ यस लब्धि बोलो। अरे लब्धि कंफ्यूज है, कुछ तो कर रही है, भगवान जाने क्या कर रही है। ओके और कोई एनी डाउट एनी क्वेश्चंस कुछ है तो बताओ, वरना फिर अपन सेशन को एंड करेंगे। यस हाँ सरिता बोल। यस सरिता, सरिता तेरी आवाज नहीं आ रही है। सरिता शायद तेरे ईयरफोन में माइक नहीं है या माइक खराब है, आवाज नहीं आ रही है। नो सरिता वी कांट हियर यू। सर हेलो। हाँ हाँ अभी आ रही है, अभी बोल। सर शायद माइक्रोमैक्सिस में खराब है। हाँ हाँ सर हमारे लेक्चर बोल, कान बचेगा हम लोग का।
हमारे हो जाएंगे, मतलब जो भी मतलब रिवीजन होंगे. किस चीज का? मतलब जो भी आप बोल रहे थे ना कि हमारा लेक्चर ऐसे ही कंटिन्यू हो, इससे कि जो भी मतलब आप रिवीजन कराओगे. नहीं नहीं नहीं, मैं लेट मी क्लैरिफाई, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि यहाँ पे लेक्चर्स रेगुलरली होंगे, इस तरह से लेक्चर होंगे. मैंने सिर्फ तुम्हें ये कहा बेसिकली जितना पढ़ चुके हो कॉलेज में सिर्फ उतना ही एग्जाम में आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा. कहने का मतलब ये था. बट वो सर हम लोग मतलब पूरा माइंड से आउट ऑफ हो गए हैं, तो सर आप थोड़ा रिवाइज कर देते तो अच्छा रहता. रिवीजन का प्रॉब्लम ये ना, एक सेकंड, कुछ और लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं इतनी लेट. अब ये लोग बोलेंगे ट्रेन से आए से लेट आ रहे थे क्या? ज्यादा सुपारा वाले ही लेट है. हर्षिता अभी आई है और कोई और है, पता नहीं कोई. ओके हाँ, वो सरिता, आई डाउट व्हाट आई कैन ओनली से इज आई कैन ट्राई, अगर वो हो पाए तो. वरना तुम्हारे ग्रुप में कुछ बच्चों ने यूट्यूब के लिंक शेयर किए हैं जहाँ पे GST और कस्टम के फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आप वो लिंक्स को देख सकते हो. YouTube भरा पड़ा है ज्ञान से यार, कुछ भी YouTube करो मिल ही जाता है आंसर. हाँ, जहाँ कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, सुनो हाँ, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, एग्जाम्पल सपोज करो आप सब लोग ने सब कुछ पढ़ा, लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है. एग्जाम्पल सपोज करो आपने कहा कि कस्टम में ये एक पार्ट समझ में नहीं आ रहा. अच्छा, ये जो जूम का ऐप है ना, ये 40 मिनट्स में अपने आप बंद हो जाता है. तो अगर ये बंद होता है तो मैं आप लोग को इंस्टेंटली वापस आपके मेल पे एक ID पासवर्ड भेजूंगा, उस पे लॉगिन कर लेना इमीडिएटली. ठीक है, 40 मिनट्स में अपने आप बंद हो जाएगा ये, तो मैं आपको दोबारा उस पे भेज दूंगा. ओके, सो आप अपन बात कंटिन्यू करते हैं. कोई टॉपिक अगर ऐसा है जो आप लोग को किसी और सोर्स से या आपकी बुक से या आपके यूट्यूब से या आपके किसी भी और सोर्स से समझ में नहीं आता, तो वो टॉपिक आप मुझे 2-4 पॉइंट जिनका जो कॉमन टॉपिक डाउट वाला है वो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, चाहे तो ग्रुप में चाहे तो पर्सनल में. उसके लिए वी कैन कम लाइव एंड वी कैन डू अ डिस्कशन ओवर हियर सबके सामने. बाकी हर चीज के लिए कुछ बहुत सारी चीजें तो अरे रे अब म्यूट करो जो भी है. बाकी जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिक्कत भरी नहीं है, जो एकदम सिंपल है, सामान्य है, तो वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि मैं अपन रोज आए. और बिकॉज रोज इतने सारे बच्चे आ भी नहीं पाएंगे, बेचारे आज तो कैसे कैसे आ गए. स्पेशली आज भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो हमारे पास मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, मुस्कान एंड ऑल का मेरे को मैसेज आया था कि सर 6 बजे नहीं आ पाएंगे, इफ्तारी का टाइम हो जाता है, तो आप थोड़ा जल्दी रखिए. जल्दी मैं अवेलेबल नहीं था, मेरे कुछ के इंटरनेशनल कॉल्स रहते हैं, आजकल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस रहती हैं, मैंने ये ऑनलाइन बहुत कुछ चालू कर दिया. सो इन दैट केस मैं भी उस अफ्टरनून के टाइम पर फ्री नहीं रह पाता. सो ईद जाने दो, आपके जो डाउट होंगे वो अपन यहीं पे सॉल्व करेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ के हो, किसी के बारे में भी हो. बट तब तक के लिए आप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट निकालो जो आपको पसंद हो. मैंने रिकमेंड किया पर्सनल पॉलिटिक्स, GST एंड FM, लेकिन अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पसंद आता है, एनी 2 सब्जेक्ट्स आप निकालो और आप स्टार्ट कर लो. आई होप आई वॉज एबल टू एड्रेस. यस, और क्वेश्चन? सर हम लोग आपसे मतलब FA का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. हम लोग को मतलब पता है कि आप FA के भी सर लेक्चर लेते हो. हाँ, डेफिनेटली पूछ सकते हो. बट मेरा यहाँ पे पर्सनल सजेशन ये होगा कि जब FA का डाउट आता है ना, तो पहले आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर को परेशान करो जिसने आपको FA पढ़ाया. बट सर अवेलेबल भी तो होने चाहिए ना. सुनो तो अरे सुनो तो टाइम अरे तड़पो मत. सुनो नो डाउट आई कैन सॉल्व एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट आपने जो कॉलेज की फीस भरी है वो आपने टीचर्स के लिए भरी है कि सिर्फ एक टीचर के लिए भरी है? सब के लिए भरी है. तो एक बार आप उस टीचर को, आई एम नॉट सेइंग आप उसके पीछे पड़ो, उसको परेशान करो, उसको डिस्टर्ब करो, उसको तोड़ फोड़ करो, नहीं बता हमको. आप एक नॉर्मली व्हाट्सएप पे मैसेज तो थ्रो करो ग्रुप में या पर्सनल में कि मिस या सर आई हैव दिस डाउट, प्लीज हेल्प मी आउट. आपको हेल्प आ जाती है, डाउट हो जाता है सॉल्व, तो ठीक है. नहीं होता है तो मैं तो हुई.
ठीक है, बट जहाँ तक आई नो माई ऑल कलीग्स ऑफ कॉलेज, जैसे आप कुछ क्वेरी पूछेंगे वो सब भी देकर आ रही है आपकी क्वेरी सॉल्व करने के, बिकॉज वो भी तो घर पे फ्री ही बैठे हैं, तुम सबको याद कर रहे हैं, जोर जोर से मिस कर रहे हैं तो सबको। ठीक है, सो स्टिल कुछ भी क्वेरी रहता है किसी भी चीज को लेके आप मुझे भेजते रहो, मैसेज करते रहो, जब नीड लगा कि नहीं ऑनलाइन आना चाहिए तो ऑनलाइन आके डिस्कस करूंगा, सिंपल रहा तो व्हाट्सएप पे या नॉर्मल कॉल पे ही मैं उस क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। Yes, anything else? चलो सारी क्वेरी सॉल्व हो गई है तो अब हम फिर चलते हैं ऑफलाइन, लास्ट चांस, एनीवन एनीथिंग एनी क्वेरी, आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद दिस। हाँ यस प्रियेश बोलो सर, सीएफपी के लिए रजिस्टर के रजिस्ट्रेशन के लिए वो लॉकडाउन के वजह से वो सब पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, तो अभी है क्या चांस करने का रजिस्ट्रेशन? ओके वेरी गुड, अगेन अ गुड क्वेश्चन। सीएफपी के लिए सबको बता दूं, जिन लोगों ने भी वो करियर सेशन अटेंड किया था और उनको सीएफपी करने की इच्छा थी, सीएफपी की ड्यू डेट्स जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गई है 31 मई तक, रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड हो गई है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, जो कि 31 मार्च था ड्यू डेट, अब एक्चुअली के 31 मई हो गया, मतलब 31 मई तक, इनफैक्ट रेदर आई शुड से अगर 30 मई तक भी आपके पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है तो आप लोग एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के साथ में, और कहीं ना कहीं आप लोग एनरोल हो जाएंगे उसी ओल्ड सिलेबस के अंदर जिसकी आपको रिक्वायरमेंट। ओके थैंक यू। ओके और कुछ एनीवन? ओके आई गेस एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ, आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद दिस ऑनलाइन लेक्चर, ये तुम्हारे साथ मेरा फर्स्ट लेक्चर है, हालांकि बाकी लोग के साथ तो बहुत लेक्चर हो चुके हैं। फाइन चलो ठीक है, देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे इन होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड मिस यू ऑल, बाय बाय। सेम टू यू सर। All right.